पिछले एपिसोड में आपने कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य और भारत माता की आजादी के पवित्र लक्ष्य के बारे में जाना। आजादी की ये लौ कांग्रेस के आने वाले अधिवेशनों में लगातार बढ़ती गई। 1885 में कांग्रेस का पहला सत्र मुंबई में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता की व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने। 72 प्रतिनिधियों की भागीदारी से संपन्न हुए इस पहले अधिवेशन में विधान मंडल में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने की मांग करते हुए भारतीय प्रशासन के कामकाज के लिए आयोग की नियुक्ति के साथ लंदन में भारत परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही सैन्य खर्च में कमी के साथ सिविल सेवा में सुधारों की मांग की गई। 1886 में दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित दूसरे अधिवेशन में पहले अधिवेशन के 72 प्रतिनिधियों के मुकाबले 434 यानी लगभग 6 गुना ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा गरीबी उन्मूलन के बारे में प्रस्ताव रखने को मनरेगा, खाद्य सुरक्षा कानून जैसी योजनाओं की वैचारिक नींव माना जा सकता है। कलकत्ता के इसी अधिवेशन में मताधिकार जैसी बड़ी मांग सबसे पहले सामने आई। 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुए मद्रास अधिवेशन में आर्म्स एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। 1889 के मुंबई अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली ने हिस्सा लिया। ऐसा नहीं है कि गब्बर सिंह टैक्स का कहर आज ही है, अंतर इतना ही है कि उस समय ये काम अंग्रेज कर रहे थे और कांग्रेस ने 1894 के मद्रास अधिवेशन में किसानों पर कपास टैक्स का खुलेआम विरोध करते हुए प्रस्ताव पास किया था। इस तरह अपने 10वें अधिवेशन तक जैसे जैसे कांग्रेस में भारतीयों का भरोसा बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही अंग्रेजी हुकूमत के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस उनकी एकता एवं आवाज का मंच बन रही थी। कांग्रेस अधिवेशन का सबसे बड़ा फायदा था भारतीय जनता के अधिकारों को आवाज मिल जाना, जो आने वाले समय में बुलंद होने जा रही थी। जय हिंद। अपने सुझाव हमें धरोहर@inc.in पर लिखें।